नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। ये नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। मुजफ्फरनगर शहर की एक भाजपा नेत्री के चक्कर में एक व्यापारी का परिवार टूटने के कगार पर आ गया है। व्यापारी की पत्नी ने प्रेम प्रसंग का आरोप लगाते हुए कहा है कि एक भाजपा नेत्री के साथ प्रेम प्रसंग के चलते उसने अपनी मोदी नगर निवासी पत्नी चीना को घर से निकाल दिया। पीड़ित महिला ने बताया कि उनकी शादी 12 वर्ष पहले हुई थी। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसे घर से बाहर निकालने के बाद उसके पति ने बच्चों को अपने कब्जे में रख लिया। इस बात को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। इसकी जानकारी जब पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता को घर के अंदर भेजने की कोशिश की। पुलिस के आने की सूचना मिलते ही प्रतीक मित्तल अपने दोस्त के साथ घर से फरार हो गया था। बच्चों को घर के अंदर बंद कर गया। बताया जा रहा है कि जिस समय हंगामा चल रहा था उस समय घर के अंदर भाजपा नेत्री मौजूद थी। पुलिस के अनुसार ये विवाद काफ़ी दिनों से चल रहा था और गुरुवार को इस मामले को लेकर चीना अपने मायके वालों के साथ मुजफ्फरनगर पहुंची और जमकर हंगामा किया। इस दौरान वो घर के बाहर ही धरने पर बैठ गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चीना मित्तल है। तो आप यहाँ पर धरने पर क्यों बैठ गए हैं? क्या मामला है? मेरे बच्चे अंदर बंद हैं और वे मुझे मेरे बच्चे वापस नहीं दे रहे हैं। मेरे ससुराल वाले, उन्होंने मुझे 4 साल से परेशान कर रखा है। क्यों परेशान कर रखा? क्या? मेरे पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, इसलिए वो मुझे 4 साल से परेशान करता था और मुझे इस बारे में कोई पता भी नहीं था। अभी मुझसे थोड़े दिन पहले वो तलाक मांगते हैं तो मैंने पूछा क्यों चाहिए, मैं तो नहीं दूंगी तलाक, भाई क्यों चाहिए तुम्हें? तो वो कहते हैं मुझे नई ज़िंदगी शुरू करनी है। इस बात पे हमारी फिर लड़ाई हुई। फिर मेरे घर वाले थोड़े दिन के लिए कि समझा देंगे, इधर ससुराल वाले भी कहते हैं कि हम समझा देंगे लड़के को, लेकिन अब बीच फिर मैं अपने घर चली गई और वहाँ से एक हफ्ते के बाद मेरा पति मेरे बच्चों से मुझे बिना बताए मेरे बच्चों को चुरा के ले गया और अब मुझे तलाक के पेपर देके कहता है कि मुझे तलाक चाहिए। आपको घर से भी निकाल देंगे? हाँ जी, मुझे घर से निकालने की इनकी बहुत दिनों से प्लानिंग थी, इसीलिए मुझे घर भेजा गया है। इनकी सबकी प्लानिंग थी। तो आज आप अंदर नहीं ले रहे? नहीं, आज ही अंदर नहीं ले रहे हैं, गेट नहीं खोल रहे हैं। मेरे बच्चे अंदर ही हैं, उन्होंने मेरे बच्चों को भी पता नहीं क्या उल्टा सीधा बता रखा है कि वो भी मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। क्या चाहते हैं? मैं मेरे बच्चे चाहती हूँ कि वे भी अपने बाप के जैसे ना बने, बस मुझे मेरे बच्चे चाहिए, नहीं तो ये उनको भी ऐसे ही बनाएंगे। ये रात को 3-3 बजे तक अलग कमरे में बैठ के बात करते थे और मुझे इसलिए शक रहता था, लेकिन मेरे ससुराल वाले मेरे सास ससुर कहते थे तुम सिर्फ शक करती हो, लेकिन ऐसा नहीं था। अब जब से इन्होंने तलाक मांगा है तो मुझे पूरा यकीन है कि उसी के साथ ये नई जिंदगी शुरू करेंगे। तो अब आपके ससुराल वाले से कोई बात नहीं? नहीं, वे मेरे से कोई बात नहीं करते हैं, ना मेरे बच्चों से बात कराते हैं, और मैं जब किसी और रिश्तेदार से कहलवाती हूँ कि मुझे मेरे बच्चों से बात करनी है तब इन्होंने 15 दिन में 2-4 बार मेरे बच्चों से बात कराई है। आज क्या हुआ, आप यहाँ पर क्यों आए? आज मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं कई दिनों से बहुत बेचैन हो रही थी बच्चों से मिलने के लिए, कि मैं सोच रही थी मेरे पति शायद खुद ही आ जाए या ससुराल वाले कोई आ जाए, कोई नहीं आया। फिर मैंने कहा आज मुझे घर जाना है, बस कुछ भी हो जाए मुझे जाना है। अंदर जाना चाहते हैं? मैं अंदर जाना चाहती हूँ, लेकिन ये लोग गेट नहीं खोल रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं, कब तक रहेंगे? मैं यहीं पर बैठी रहूँगी, मैं कहीं नहीं हिलूँगी, और अगर कोई मेरी मदद भी नहीं करेगा तो मैं यहीं पे आत्मदाह करूंगी, बस चाहे पुलिस हो, चाहे कोई हो, चाहे कोई कोर्ट हो, बस मुझे मेरे बच्चे चाहिए। कोर्ट ने नहीं पैदा करे बच्चे, जो वो मेरा फैसला करेगी, मैं अपना फैसला खुद करूंगी, मुझे मेरे बच्चे चाहिए बस। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।